सुशील कुमार मोदी से आग्रह करते हैं और इस सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, पुलवामा का बदला लेने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय श्री रामविलास पासवान जी, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री पशुपतिनाथ पारस जी, मंच पर बैठे तमाम एनडीए गठबंधन के नेतागण और लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, मैं उस यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूँ जिनकी वायुसेना ने परमाणु धमकी की परवाह किए बिना पुलवामा में 44 जवानों की शहादत के मात्र 12 दिन बाद 12 लड़ाकू विमानों से पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर 300 से ज्यादा आतंकियों को ढेर करने का काम किया था। मैं उस प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं जिनके कूटनीतिक प्रयास के कारण 48 घंटे के भीतर दुश्मन के लड़ाकू विमान को गिराने वाले जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मैं उस प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं जिसने पड़ोसी देश को बता दिया ये 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बावजूद चुप रहने वाला भारत नहीं है, बल्कि उरी हो या पुलवामा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकियों के गढ़ को नेस्तनाबूद करने वाला नया भारत है। मैं उस प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं जिसने 9 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 6 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 32 करोड़ गरीब परिवारों का बैंक खाता, 1.3 करोड़ गरीबों का मकान बनवाने की ताकत रखता है, तो दूसरी ओर आतंकवाद से निपटने के लिए सेना को खुली छूट, तड़के 3 बजे जाकर सर्जिकल स्ट्राइक के समय वायुसेना का मनोबल बढ़ाना भी जानता है। मैं उस प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं जो युद्ध भी जानता है और शांति भी जानता है। दक्षिण कोरिया की सियोल में 22 फरवरी को विश्व शांति पुरस्कार प्राप्त करता है और 4 दिन के बाद ही आतंकी हमले का बदला भी लेने का काम करता है। मैं कैसे प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं जो अमेरिकी सीनेट में भाषण भी करता है और कुंभ में सफाई कर्मियों के पांव को धोने का भी काम करता है। मैं कैसे प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं जिसके शब्दकोश में छुट्टी नाम की कोई चीज नहीं है और जिसने 5 साल में 1 दिन भी विश्राम नहीं किया है, चरैवेति का काम किया है। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं उस प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं जो गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण और किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपया सीधे खाते में डालने की योजना को लागू करवाता है, तो दूसरी ओर यूनाइटेड नेशन से लेकर इस्लामी सहयोग संगठन तक पूरी दुनिया में आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफल होता है। अभिनंदन है उस प्रधानमंत्री का और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जिनके कारण बिहार के घर घर में बिजली पहुंच गई और लोगों ने सदा सदा के लिए लालटेन को बुझा देने का काम किया है। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, 1999 में बीजेपी, जेडीयू और रामविलास जी के गठबंधन ने संयुक्त बिहार में 54 में 40 सीट जीतकर अटल जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। 2009 में बीजेपी जेडीयू ने 40 में से 32 सीट जीतने का काम किया था। 2014 में अकेले भाजपा और रामविलास जी हम लोगों ने मिलकर 31 सीट जीतकर आपको प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पहले सिंगल इंजन था, अब तो नीतीश कुमार का दूसरा इंजन भी इस एनडीए से जुड़ चुका है। मेरे बहनों और भाइयों, 2019 में नीतीश जी और रामविलास जी के साथ मिलकर पहले से ज्यादा सीट जीतकर फिर एक बार आपको
देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, 10 गीदड़ मिलकर एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मेरे मित्रों, हमें पूरा विश्वास है कि दुनिया को नए भारत की ताकत और तेवर का एहसास कराने वाले प्रधानमंत्री को बिहार की जनता सभी 40 सीटों पर अपार जन समर्थन देकर विजयी भव का आशीर्वाद देगी। हमारा संकल्प शक्तिशाली और संपन्न बिहार के लिए है, जो तभी मुमकिन है जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। तो आइए, बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को जिताइए और फिर एक बार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाइए। तो आइए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मैं 4 पंक्तियां बोलकर अपना भाषण खत्म करूंगा। मेरा देश मेरी जान है, मेरा देश मेरी जान है, मेरा गर्व है, अभिमान है, और ये अभिमान जिंदा है, और ये अभिमान जिंदा है क्योंकि सीमा पर वीर जवान है। जल हो जमीन या आसमान, कभी झुके नहीं भारत की शान। मेरे देश के जवान तुझको शत शत प्रणाम, मेरे देश के जवान तुझको शत शत प्रणाम।